गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेसिक डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स पढ़ने के बाद स्पेशल एग्जांपल्स में आ रहे रिंग थ्योरी के, ये दो स्टार लगे हुए हैं, इससे समझ में आता है कि कुछ टिपिकल एग्जांपल है, कुछ स्पेशल एग्जांपल है। लेट अस सी। इफ एवरी एक्स इन आर, आर इज रिंग, अब वो अंडरस्टूड होगा, सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट आर मस्ट बी कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव बताना, इसका मतलब जो सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती हो। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये शो करना है। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा क्या है लिख दिया, मेंशन कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जब हम रिजल्ट प्रूव करने जाएंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वहां पर हमको कुछ और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन ये हम पहले यहां मिला ले रहे हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट में वो इंफॉर्मेशन मिला ले रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम के अंदर एक नया प्रॉब्लम यहां दिखता है, एंड दैट इज माइनस ए इक्वल टू ए इन अ रिंग। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पहले प्रूव कर लेते कि माइनस ए इज इक्वल टू ए, ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में माइनस ए है और राइट साइड में ए है। फिर ये एक बार प्रूव करने के बाद हम कुछ और जनरल बातें इससे रिलेटेड करेंगे। देखिए, लेट ए बी एन एलिमेंट इन रिंग आर, देन ऑब्वियसली माइनस ए बिलोंग्स टू आर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए होगा माइनस ए। और यदि इसको और रीजन देना चाहें तो इसका रीजन आप ऐसा मेंशन कर सकेंगे, बाय जी थ्री इनवर्स की प्रॉपर्टी, जी थ्री ऑफ आर वन, रिंग की फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, आर अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप, तो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी जी थ्री ऑफ आर वन, ठीक है, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, चलेगा ये भी। अब जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा के हिसाब से ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, जो भी एलिमेंट है वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब यदि मान लो ये हम हमारी रेगुलर नॉर्मल रियल नंबर सिस्टम में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और है भी तो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, एलिमेंट और उसका स्क्वायर इक्वल होगा, रियल नंबर सिस्टम में कौन से एलिमेंट के लिए पॉसिबल है ये बोलो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन से रियल नंबर के लिए पॉसिबल है? वन के लिए, वन इक्वल टू वन स्क्वायर, करेक्ट। और कुछ? जीरो के लिए, जीरो इक्वल टू जीरो स्क्वायर। और कोई इसके अलावा एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, नहीं होंगे। रियल नंबर सिस्टम में केवल ये दो एलिमेंट जीरो और वन इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये रिंग कुछ अलग स्ट्रक्चर है उसके लिए इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रू हो सकती है। इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था, वीडियो वन में भी है, तो इसके पहले जो एग्जांपल देखा था तो उसमें रिजल्ट प्रूफ किया हुआ था। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम अभी प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एलिमेंट और उसका एडिटिव इनवर्स इक्वल होता है। तो माइनस ए से स्टार्ट करते हैं, माइनस ए कैन बी रिटन एज माइनस ए का होल स्क्वायर बाय डेटा, माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब था एक्स इंटू एक्स, तो माइनस ए स्क्वायर मीन्स माइनस ए माइनस ए। अभी हमने रिंग के कुछ स्पेसिफिक थ्योरम्स प्रूव नहीं किए, आगे जाने के बाद में हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। रिंग में एक रिजल्ट होता है माइनस ए इंटू माइनस बी, अभी जब इंटू की बात करें तो दिस इज सेकेंड ऑपरेशन ऑफ रिंग, तो माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस बी हम बोल रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इंटू एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए बी। ये रिजल्ट रिंग थ्योरी का एक रिजल्ट है, ये अभी हम इसको यूज कर ले रहे हैं। तो माइनस ए इंटू माइनस ए इज ए ए, ये रिजल्ट को देखते हुए, एंड वॉट इज ए ए, ए कैन बी रिटन इज ए स्क्वायर, एंड बाई डेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए।
यानी क्या प्रूफ किया हमने, माइनस ए इक्वल टू ए, ये प्रूफ किया जिसको हमको यूज करना है आगे हमारा रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब ये माइनस ए इक्वल टू ए हमने प्रूव कर दिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसके बाजू में लिखा जाना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। नाउ टेक टू एलिमेंट्स इन आर, देन देयर एडिशन, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ आर प्लस अबेलियन ग्रुप है, मतलब इसको यदि सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप बोलेंगे जी वन ऑफ आर वन। ओके, अब ये एलिमेंट आर में आ गया तो एलिमेंट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय डेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी इसके पहले जो प्रॉब्लम था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा प्रूफ किया हुआ है। इट इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नो, बिकॉज रिंग नीड नॉट नेसेसरीली बी कम्यूटेटिव रिंग। तो ये कहां से मिला हमको, बाय एग्जाम्पल 8, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, बाय गिवन डेटा दे कैन बी रिटन एज ए एंड बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी। और लेफ्ट साइड में है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में ए दिख रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए जा सकता है यहां से गायब, और राइट कैंसिलेशन लॉ से बी जा सकता है, और ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप में फर्स्ट ईयर में हमने कैंसिलेशन लॉ पढ़े हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ राइट कैंसिलेशन लॉ, तो क्योंकि दोनों यूज हो रहे हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट बाय कैंसिलेशन लॉ, ए लेफ्ट कैंसिल से गया बी राइट कैंसिलेशन से गया तो क्या बच गया ए बी प्लस बी ए, और यहां क्या रह गया तो यहां रह जाएगा ए प्लस बी प्लस जीरो, जीरो इज एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए प्लस बी कैन बी रिटन इज ए प्लस जीरो प्लस बी, तो ए गया बी गया तो यहां रह गया जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। अब दो एलिमेंट का एडिशन जीरो दिख रहा है इसका मतलब वन एलिमेंट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर बाय जी फोर प्रॉपर्टी, जी फोर ऑफ आर वन। ये एड्रेस को बराबर नोट डाउन करते जाइएगा बाय जी फोर ऑफ आर वन, तो दिस सेकेंड एलिमेंट बी ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी माइनस ए बी। अब यहां पर हमको जो ऊपर हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था ना इसकी जरूरत पड़ेगी, ये जो रिजल्ट प्रूफ किया हमने ऊपर माइनस ए इज इक्वल टू ए इसकी जरूरत पड़ेगी, बी ए इक्वल टू माइनस ए बी आ गया। नाउ दिस माइनस ए बी कैन बी रिटन एज ए बी यूजिंग दिस रिजल्ट बाय, ये वन कहां से आया, टू लिखना बाय टू, दिस इज बाय टू, नंबर टू दिया ना इसको, ये वाला रिजल्ट ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए मिल गया, कोई दो एलिमेंट लेकर चले थे उसके लिए ऐसा दिख रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ए बी इज इक्वल टू बी ए और बी ए इक्वल टू ए बी, एक ही बात, देयरफॉर आर इज कम्यूटेटिव रिंग। तो यहां यूज करने के लिए हमको पहले माइनस ए इक्वल टू ए ये रिजल्ट एस्टेब्लिश करना पड़ा, इसलिए ये प्रॉब्लम जरा स्पेशल कैटेगरी का है। नोट, अ रिंग इन विच एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग, बूलियन रिंग ठीक है। और अभी हमने प्रूव किया ऊपर यदि ये डेटा था x square equal to x for all x belongs to R, then that ring is a commutative ring. इसका मतलब we can say that all boolean rings are commutative rings. Okay? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बुलियन रिंग की कंडीशन, तो what is condition for boolean ring? For all elements, element is equal to square, x square equal to x. तो those are boolean rings. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ आर, एम एंड एन आर इंटीजर्स, अब दोनों में फर्क है, ए बी रिंग के एलिमेंट्स है, एम एन हमारे रेगुलर जो इंटीजर्स है वो, वेयर आर इज अ रिंग, देन प्रूव दैट एन ए एम बी इज इक्वल टू एन एम ए बी, मतलब रिंग के एलिमेंट में कोई इंटीजर का प्रोडक्ट करें और ऐसे एलिमेंट का प्रोडक्ट लें तो इंटीजर इंटीजर का प्रोडक्ट एक साथ और रिंग के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एक साथ आ जाएगा, एन ए एम बी इज इक्वल टू एन एम ए बी,
ये हमको प्रूव करना है। जो रिजल्ट हमको प्रूव करना है दिखने के लिए तो काफी सिंपल दिख रहा है कि एन ए एम बी हम ब्रैकेटिंग इधर उधर कर सकते हैं एन एम इंटू ए बी, लेकिन प्रूफ करते समय कैसे कैसे स्टेप्स लिखे जाएंगे इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो जो डेटा दिया है वो मेंशन कर दो, फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, एम एंड एन आर इंटीजर्स, व्हाट इज एन ए मींस। जब एक्स स्क्वायर की बात आई थी तो एक्स स्क्वायर का मतलब था एक्स इंटू एक्स, जब एन ए की बात है इसका मतलब ये इंटीजर है तो इट मींस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एन टाइम्स, मतलब हमको 5a यदि कहना होगा तो a प्लस a प्लस a प्लस a a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a 5 टाइम्स उनका एडिशन कर देंगे। तो ये मीनिंग के साथ में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया na into mb, na मतलब a प्लस a अप टू n टाइम्स और mb मतलब b प्लस b अप टू m टाइम्स, ठीक। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको ऐसे ही फिक्स मानकर यहां से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते जाते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा नहीं हो क्या रहा है यहां पर, ए के साथ में हम सेकेंड ब्रैकेट को अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड ब्रैकेट को एक्स मान लिया, एक्स को ए के साथ, फिर ये एक्स को दूसरे ए के साथ, फिर ये ऐसा करते करते एन टाइम्स हम अप्लाई करते जा रहे हैं। ये देखो ये जो रीजन लिखा ना, ये रीजन को समझने की जरूरत है, हम किसके पास हमारा एलिमेंट साइन कर रहे हैं, इसके एलिमेंट ये एक्स के साथ, ये x के पास ये एलिमेंट भेज रहे, ये x के पास ये एलिमेंट भेज रहे, तो कहां से भेजा जा रहा है, राइट से। इसको x माना थोड़ी देर के लिए, सेकेंड ब्रैकेट को x माना, और ये x को ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ऐसा करते करते n टाइम्स, तो रीजन विल बी बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मेक दिस करेक्शन, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। देखते समय एकदम से समझ में नहीं आता है वो, जब ध्यान से देखेंगे आप तो समझ में आएगा, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एलिमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस पर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लीकेशन की टर्म है, इसको हम एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता मल्टीप्लीकेशन पर, ओके। अब यहां से ए मल्टीप्लीकेशन के साथ में, तो ए बी प्लस ए बी प्लस, अब ये सब चलते जाएगा तो ऐसे कितने टर्म्स मिल जाएंगे, एम टाइम्स। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट, ये करेक्ट है, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये करेक्ट है, ठीक है। यहां पर भी ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी एम टाइम्स, तो ऐसे ए बी ए बी ए बी एम टाइम्स है, ए बी ए बी ए बी एम टाइम्स है, और इस तरह की कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है, ओके। सो और ये सब एडिशन में दिख रही, कितने टर्म्स मिल गए, ऐसे ब्रैकेट में एम एम टाइम टर्म्स है और ऐसे ब्रैकेट एन, तो जब टोटल काउंट करेंगे तो दैट विल बी ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी अप टू एम एन टाइम्स एंड कैन बी रिटन एज एम एन और एन एम इंटू ए बी विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इधर क्या था, एन ए एम बी इज इक्वल टू एन एम ए बी, नंबर 11। इफ आर इज अ सिस्टम सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ अ रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, एक और चीज आ गई, मतलब जी थ्री ऑफ आर टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी यदि मिल रही हो रिंग में, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिख रही फॉर एडिशन, मतलब जी फाइव प्रॉपर्टी नहीं है, समझिएगा रिंग है जिसमें जी फाइव प्रॉपर्टी यदि मान लो छोड़ दी जाए और उसके बदले यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो, तो प्रूव दैट एक्सियम ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए मस्ट होल्ड इन आर, क्योंकि जब तक के फर्स्ट प्रॉपर्टी रिंग की आर वन दैट इज
R under addition is a commutative ring, ये पूरी ट्रू नहीं होगी तो हम रिंग डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है कि रिंग की सारी प्रॉपर्टी ट्रू हो रही हो एक्सेप्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, मतलब G5 ऑफ R1 यदि ट्रू नहीं है उसके बदले यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट होता हो, मतलब G3 ऑफ R2 यदि दिया हुआ है तो इसके साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन मतलब G5 ऑफ R1 ये ट्रू होगा और उसके कारण R विल बी अ रिंग। जो चाहिए था वो नहीं है, उसके बदले कुछ और एडिशनल कंडीशन दी है तो इसका मतलब वो एडिशनल कंडीशन की हेल्प से जो इसेंशियल चीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये हम प्रूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हो गया। अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, यूनिट एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर, मीन्स वॉट, वन डॉट ए इक्वल टू ए डॉट वन इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये G3 प्रॉपर्टी ऑफ R2 ऐसा बोल सकते हैं इसको। अब हमको प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो a प्लस बी का तो रोल चाहिए, तो यदि दो एलिमेंट हम a प्लस ए और b R में ले लें तो a प्लस बी बिलोंग्स टू R आ जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ध्यान से सुनना, इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि G1 ऑफ R1, क्योंकि रिंग तो है नहीं अभी, रिंग कब बनेगी, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती तब रिंग बनती थी, अभी तो सिस्टम है, तो सिस्टम है तो अब वो जो हमारे सिंबॉलिक नोटेशन है G1 ऑफ R1, G2 ऑफ R1, ये तो हम कब यूज करते हैं, जब हमारी रिंग रिंग हो, जब रिंग में R1, R2, R3 ट्रू हो तब हम ये सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज कर सकते थे। तो लिखते समय आप यहां पर रीजन लिख सकते हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसके आगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब a प्लस बी आर में आ गया तो ये स्टेप ध्यान में रखनी होगी, a प्लस बी के साथ 1 प्लस 1 का प्रोडक्ट ये ले लेते हैं और अब इसको अप्लाई करते हैं। तो अब देखो ये 1 प्लस 1 को फिक्स किया है यानी इसको x मान लिया, अब ये x को a के साथ दे रहे, x को b के साथ दे रहे, तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमेशा ये थोड़ा सा करेक्शन करना, यहां राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, दिखने के लिए हमको ऐसा लगता है हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं, इसको एक्स माना है थोड़ी देर के लिए, वो एक्स को ए के साथ एक्स को बी के साथ दिया है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और अब ये एलिमेंट में ए को वन के साथ, ए को वन के साथ, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां पर लेफ्ट है, समझ में आ रहा है क्या, ये करेक्शन समझ में आ रहा है क्या सभी को, कहां राइट डिस्ट्रीब्यूटिव और कहां लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यस यस सर, ओके। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ए डॉट वन प्लस ए डॉट वन प्लस बी डॉट वन प्लस बी डॉट वन आ गया। नाउ ए डॉट वन यानी ए, ये यहां लिखा था, तो ए डॉट वन ए हो गया, ए डॉट वन ए हो गया, बी डॉट वन बी हो गया, बी डॉट वन बी हो गया। और दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर रहे, ए प्लस बी इंटू वन प्लस वन को, अब इसको एक्स माना थोड़ी देर के लिए और ये एक्स को वन के साथ, ये एक्स को ये वन के साथ, तो ये हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यहां पर रीजन होना लेफ्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर अब वन को ए के साथ, ये वन को बी के साथ, तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ए डॉट वन फिर से ए, बी डॉट वन बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाय डेटा आ गया। अब दोनों जगह तो हमने सेम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, एक बार लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव से, एक बार राइट डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे। तो एक तरफ क्या है ए प्लस ए प्लस बी प्लस बी और एक तरफ क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखो दोनों के ए ए लेफ्ट में कैंसिल किए जा सकते लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, बी बी ये कैंसिल किए जा सकते राइट कैंसिलेशन लॉ से, क्योंकि आर अंडर एडिशन ये ग्रुप तो है ना, चार प्रॉपर्टी तो है वहां पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ग्रुप में हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते। क्या बच गया हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर बाय कैंसिलेशन लॉ, राइट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल गई,
बाकी की चार प्रॉपर्टी G1, G2, G3, G4 एडिशन के लिए था, कम्यूटेटिव की वजह से R1 ट्रू हो गया, बाकी की दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, बोला था ना उसने, बाकी सभी प्रॉपर्टी है सिस्टम में रिंग की, R2 और R3 है, तो हेंस कम्यूटेटिविटी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड दिस इंप्लाई R+ इज एन अबेलियन ग्रुप, फिर से उसके बाद में लिखा है एंड R2 R3 होल्ड्स, दिस इज गिवन, वी कैन कंक्लूड दैट R इज अ रिंग, सम स्पेशल क्लासेस ऑफ रिंग्स। ऐसा कुछ रिजल्ट आया था रिंग में कि दो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ऐसा रिंग में पॉसिबिलिटी है, तो वो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ टाइप्स, कुछ स्पेशल क्लासेस रिंग के डिफाइन किए। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन, जीरो डिवाइजर, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग बोलने से मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। एन एलिमेंट ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इन आर, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट इन आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नॉन जीरो एलिमेंट इज जीरो। क्या हो रहा है, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो, और ये हो सकता है रिंग में, ये पॉसिबल है, हमारे नॉर्मल रियल नंबर सिस्टम में नहीं दिखता था ऐसा, बट रिंग इज नॉट रियल नंबर सिस्टम। ओके, तो क्या डेफिनेशन बन गई, कम्यूटेटिव रिंग है तो एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कोई दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट मिलता हो रिंग में सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो एलिमेंट। व्हाट इज जीरो एलिमेंट, जीरो इज द जीरो एलिमेंट, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, राइट। और यदि रिंग कम्यूटेटिव ना हो, रिमार्क, व्हेन रिंग इज नॉट कम्यूटेटिव, और इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो ऐसे समय जो लेफ्ट में एलिमेंट होगा ए वो कहलाता है लेफ्ट जीरो डिवाइजर, और राइट में जो एलिमेंट होगा वो कहलाता है राइट जीरो डिवाइजर। इफ आर इज नॉन कम्यूटेटिव वी हैव लेफ्ट जीरो डिवाइजर एंड राइट जीरो डिवाइजर एज बिलो, मतलब प्रोडक्ट जीरो है फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स, कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब ए डॉट बी को हम बी डॉट ए बोल के नहीं लिख सकते, बस इतना ही ट्रू होगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ए इज लेफ्ट जीरो डिवाइजर, बी इज राइट जीरो डिवाइजर। हमने हमारे रियल नंबर सिस्टम के लिए भी आर सिंबल यूज करते हैं, यूजुअल एडिशन ले लिया, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ले लिया, ठीक है। तो ये जो रिंग होगी, ये रिंग तो होगी ना, रियल नंबर सिस्टम है, रिंग तो होगी ना, रिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले तो ये बात करना पड़ेगा रिंग है कि नहीं है, रियल नंबर सिस्टम है, यूजुअल एडिशन है और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है, बोलो रिंग है या नहीं है, सर रिंग है, गुड। अच्छा रिंग विथ यूनिटी है क्या ये, सर हाँ, वन एग्जिस्ट होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा कम्यूटेटिव रिंग है क्या ये, है करेक्ट, मतलब हम इसको बोल सकते हैं दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये हो रहा है। अब लेकिन जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी की बात की कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, मींस वी कैन से दैट रियल नंबर सिस्टम डोंट हैव जीरो डिवाइजर्स, इंटीग्रल डोमेन, ध्यान से सुनिएगा, अ कम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, अ कम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। तभी तो हमने रियल नंबर सिस्टम की बात की थी, रियल नंबर सिस्टम अंडर एडिशन, यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, रिंग विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हैज नो जीरो डिवाइजर, देयरफॉर दैट इज एन इंटीग्रल डोमेन। एक एग्जांपल और दिया यहां पर, द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज एन इंटीग्रल डोमेन। फिर एक नोट लिखा है, एन इंटीग्रल डोमेन मस्ट हैव मोर देन वन एलिमेंट, means it has at least one non-zero element, किसी रिंग में
जीरो डिवाइजर नहीं है, ऐसा बोलना है तो क्या बोला जाएगा? एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उसके लिए कोई दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट मिला सच दैट प्रोडक्ट इज नॉट जीरो, नॉट जीरो। और ये तो ऑब्वियस चीज है, रियल नंबर सिस्टम में ऐसा ही तो होता आया है। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो रियल नंबर सिस्टम में, ठीक है, बराबर है। इसका मतलब एक कंक्लूजन तो सीधा सीधा मिल गया कि रियल नंबर सिस्टम में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते। ये बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। आज भले इसको समय लगा चलेगा, लेकिन आगे आगे की जो स्टडी इसी पर बेस्ड है। फिर से एक बार देखो, ध्यान से सुनो। अभी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट मिला सच दैट दोनों का प्रोडक्ट जीरो हुआ, तो ये जो एलिमेंट है ये जीरो डिवाइजर्स कहला गए। यदि रिंग कम्यूटेटिव नहीं है, दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो लेफ्ट में जो होगा वो लेफ्ट जीरो डिवाइजर कहलाएगा, राइट में जो है वो राइट जीरो डिवाइजर कहलाएगा। कम्यूटेटिविटी की वजह से हो क्या रहा है ये भी समझ लेते जरा। उसकी वजह से हम इसको और आगे कंटिन्यू करके इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो बी ए का जीरो डिवाइजर बन गया, ए बी का जीरो डिवाइजर बन गया, इसलिए दोनों को हम जीरो डिवाइजर एक दूसरे के बोल सकते हैं। कब? जब रिंग कम्यूटेटिव हो तब। लेकिन रिंग यदि कम्यूटेटिव नहीं है तो मतलब ये बात खत्म हो गई, एक ही चीज मिल रही है हमको, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट। दिमाग को खाली करना पड़ेगा ये चीजें समझने के लिए। इसको तुम तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के साथ समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, ये टकराव आएगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो कैसे होता है? तो हम रियल नंबर सिस्टम में काम ही नहीं कर रहे। इसलिए फर्स्ट वीडियो के शुरुआत का जो पार्ट है 10 मिनट्स का एटलीस्ट, वो देखना बहुत जरूरी है। पूरा देखा तो बहुत अच्छी बात है, ये सब रिविजन की कैटेगरी में आ गया था इसके पहले के जो हमने एग्जाम्पल्स वगैरह किए, ठीक है। तो इसको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ में जहां जरूरी है वहां मैच कराएंगे, हर जगह नहीं। तो जीरो डिवाइजर क्लियर हो गया क्या अभी सभी को? यस सर। हाँ अब यस सर। ओके, अब यदि जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या मतलब हो गया उसका, ये एक बार कंक्लूजन ड्रॉ करते और फिर हम इंटीग्रल डोमेन की फिर से डेफिनेशन को रिवाइज करते। यदि किसी कम्यूटेटिव रिंग में एक नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके लिए दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट मिले सच दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉन जीरो, तो दोनों जीरो डिवाइजर कहलाएंगे क्या? नहीं। मींस दैट रिंग हैज नो जीरो डिवाइजर, ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब इतनी बात समझ में आई तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि क्या हमारी रियल नंबर सिस्टम में अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो कि कम्यूटेटिव रिंग है, जीरो डिवाइजर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते सर। नहीं मिलते, क्योंकि हमारी रियल नंबर सिस्टम में दो नॉन जीरो रियल नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो रियल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब रिंग ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हैज नो जीरो डिवाइजर्स। अ कम्यूटेटिव रिंग, कंडीशन तो यही, अ कम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर is called an integral domain, ठीक है। तो अब आपके पास में एक एग्जाम्पल है क्या बोलने के लिए कि यस सर दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन? यस सर। क्या है वो एग्जाम्पल? रियल नंबर सिस्टम, राइट, रिंग ऑफ रियल नंबर्स अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन दैट हैज नो जीरो डिवाइजर। अब ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया, अब हम उसके जरा छोटे छोटे पार्ट में आते, सबसेट में आते हैं। तो जब सबसेट में आते तो सबसेट में हम सेट ऑफ इंटीजर्स को यदि ऑर्डिनरी एडिशन मतलब यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो उसमें भी दो नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट यदि लें
तो वो नॉन जीरो इंटीजर मिलेगा, जीरो नहीं. एंड हेंस बाय डेफिनेशन सेट ऑफ इंटीजर्स विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन. ठीक है, यानी ये छोटा छोटे से छोटा इंटीग्रल डोमेन हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं. समझा? यस सर. इससे छोटा और हो सकता है क्या? चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं. इससे छोटा हो सकता है क्या, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की यदि बात करें तो पहले तो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग होता है क्या अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन? अब तुम्हारा दिमाग फटाफट दौड़ना चाहिए. G1, G2, G3, G4, G5 होता है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर लें. सर जीरो कंसीडर नहीं करना है उसमें. नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, मतलब G3 फेल हो गया. यस सर. G3 फेल हो गया. और G3 फेल हो गया तो G4 की बात नहीं कर सकते क्योंकि G4 में G3 का रोल है, तो वो कम्यूटेटिव रिंग बनेगा ही नहीं. तो इसलिए सबसे छोटा जो कम्यूटेटिव रिंग होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ हम बात कर सकेंगे फॉर यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन. अब बात समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है. अब ये इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होना है. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन होने के पहले कम्यूटेटिव रिंग होगा ना. अब जब कम्यूटेटिव रिंग है तो ध्यान से सुनना, कम्यूटेटिव रिंग में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? R1 मींस R अंडर एडिशन इज अबेलियन ग्रुप. तो उसमें G3 प्रॉपर्टी में कौन एग्जिस्ट होता है? G3 प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन और वो सिंबल को किससे डिनोट करते हैं? हम जीरो से. जीरो से. हाँ, जीरो, 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 जीरो यहां पे जीरो से. ठीक है ना. तो जब इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही हो, एन इंटीग्रल डोमेन मस्ट हैव मोर देन वन एलिमेंट. ये जीरो तो एग्जिस्ट होगा ही होगा, वो तो G3 के कारण आ रहा है, तो ये जीरो तो हो गई. तो उससे ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए. इंटीग्रल डोमेन मस्ट हैव मोर देन वन एलिमेंट. दिस मीन्स इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट. वो जीरो तो G3 के कारण आया हुआ है और हमको इंटीग्रल डोमेन की बात करना है. मतलब ऐसा कम्यूटेटिव रिंग जिसमें जीरो डिवाइजर न हो. तो डेफिनेशन क्या बोलती है? एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कम से कम दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट हो जिनका प्रोडक्ट जीरो न हो. या तो ऐसी बात या फिर अब दूसरा एक और एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल इसके लिए बोल सकते हैं कि फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो. चलेगा क्या? ये जो ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो लिखा, ये जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है या सपोर्ट करता है? सर जीरो डिवाइजर नहीं है. नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना? नहीं, लेकिन अब यहां उसके लिए क्या चाहिए? दोनों नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए. यस सर. वो दूसरा तो जीरो है. दोनों दूसरा जीरो है. इसका मतलब ये, इसका मतलब जीरो डिवाइजर है या नहीं है? ए जीरो डिवाइजर है या नहीं है? नहीं नहीं है. गुड. अब बात आप पकड़ सकते हो कि यदि मान लो एक जीरो तो G3 के कारण एग्जिस्ट हुआ, एक नॉन जीरो एलिमेंट हमने A ले लिया, तो उनका जो प्रोडक्ट है A डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होगा. यानी ये तो ऑब्वियस सी चीज दिखती है हमको. इसका मतलब ये A जीरो डिवाइजर नहीं कहलाएगा. और A यदि जीरो डिवाइजर नहीं कहलाया तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर बिकम एन इंटीग्रल डोमेन. तो कंक्लूजन ये मिल रहा है कि जब इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है तो उसमें कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए. केवल सिंगल जीरो एलिमेंट के साथ काम नहीं चलेगा. ये नॉन जीरो एलिमेंट, ये सच दैट इसका प्रोडक्ट जीरो के साथ जीरो हो जाए तो जीरो डिवाइजर नहीं मिले. ठीक है. और एक बार जरा समय देखे, इसको अच्छे से पढ़िएगा, चीजों के अंदर जाने की कोशिश कीजिएगा.